हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष। आज के इस वीडियो में हमने एक फ्लिपकार्ट से ट्राइपॉड ऑर्डर किया है। ये एक ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक दोनों ही है। इसका नाम है R1S सेल्फी स्टिक और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस बॉक्स पर लिखे हुए हैं और ये एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि कैसे ट्राइपॉड बना सकते हैं, कैसे सेल्फी स्टिक में भी कन्वर्ट हो सकता है, और बस बॉक्स पर तो कुछ इतना ही लिखा हुआ है। अब चलिए हम अपने प्रोडक्ट को अनबॉक्स भी करके देख लेते हैं कि हमारा ये सेल्फी स्टिक के ट्राइपॉड कैसा है। बट इससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दोस्तों देखिए, इतना कुछ मटेरियल इसमें से निकला हुआ है। सबसे पहले इसमें एक मैनुअल है जो उसमें कि एक तरफ इंग्लिश और दूसरी तरफ चाइनीज लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, और एक माइक्रो USB केबल है जिससे कि हमारा LED भी चार्ज हो जाएगा। केबल ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक ही है। और एक ये LED है, सेल्फी LED लाइट, और इस लाइट में आप ब्राइटनेस लो और ब्राइटनेस हाई भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक रिचार्जेबल लाइट है। और अब हम बात करते हैं अपने सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड की। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा क्वालिटी का लग रहा है ये सेल्फी स्टिक और ट्राइपॉड। इसके कुछ इस तरीके से हेड को अप डाउन भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये बाहर के निकलना, हाँ ये है अपना ब्लूटूथ रिमोट। इस डिवाइस को अपने मोबाइल से कनेक्ट करके आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं और वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों अब बारी आती है इसके ये ट्राइपॉड को सेल्फी स्टिक में कन्वर्ट करने की। सो दोस्तों देखिए कितना लंबा हो सकता है ये, और देखिए ये इसका मोबाइल होल्डर है और देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से ओपन होता है और इस तरह से इसको हम घुमा भी सकते हैं। वाओ अमेजिंग। और दोस्तों ये देखिए, ये बन गया अपना ट्राइपॉड। और अब आप इसको कुछ इस तरीके से रख के मूवी देखिए या वीडियो बनाइए, जो अभी आपको करना है करिए। और इसके बाद हम इस ट्राइपॉड के ऊपर LED लाइट लगा देते हैं। और दोस्तों देखिए हमने इसके ऊपर का स्टिकर भी उछाड़ दिया है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अब दोस्तों हम इस LED लाइट को चार्ज करके भी देख लेते हैं। सो दोस्तों इसको हमने कुछ इस तरीके से पावर बैंक से कनेक्ट कर दिया है, और जैसे ही इसको ऑन किया चार्जिंग से इसमें रेड लाइट इंडिकेट हो रहा है, और जैसे ही फुल चार्ज हो जाएगा इसका रेड लाइट ऑफ हो जाएगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसको लगाने की। सो दोस्तों ये हमारा पुराना मोबाइल है, बहुत ही पुराना मोबाइल हो चुका, ख़राब ही लगभग है। इसको कुछ इस तरीके से हम इसमें होल्ड कर सकते हैं, और आप चाहें तो इससे को ऑन करके ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं जैसे कि हम दिखाएं आपको। आप इसको बड़ा भी कर देंगे और आराम से ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको कुछ इस तरीके से रख के TV भी देख सकते हैं मोबाइल में, या फिर वीडियो भी बना सकते हैं। दोस्तों देखिए इसका हाइट कितने कम मिनिमम पर हम रखे हुए हैं इसको, और इसको कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों हमको इसका ये क्वालिटी बहुत अच्छा लगा, और इसको आप अप या डाउन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसका व्हाट्स इनसाइड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तो हमने अनबॉक्सिंग कर लिया, अब हम इसके अंदर भी देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम इस होल्डर से स्टार्ट करते हैं। हम इस होल्डर का इसको कुछ इस तरीके से ओपन भी कर सकते हैं, यानी कि हम अपने होल्डर को बाहर भी निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे हमने निकाला है यहाँ से, हमने ये इसको निकाल लिया। और अब देखिए दोस्तों हमारा ये होल्डर बाहर आ गया है, और देख सकते हैं इसको हम ऐसे भी घुमा सकते हैं, और इसमें कुछ लॉक टाइप का हुआ है ताकि हमारा एक जगह भी फिक्स है। और ये देखिए दोस्तों इसके अंदर एक होल है जिसके अंदर ये अपना होल्डर बैठ सकता है। और अब हम इसको फिर से टाइट कर देते हैं। और अब बारी आती है इसके ब्लूटूथ रिमोट के अंदर क्या होता है। सो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से इसको ओपन कर लेते हैं, आराम से ओपन हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। सो दोस्तों देखिए इसमें एक 3 वोल्ट का बटन सेल लगा हुआ है, ये नॉन रिचार्जेबल सेल है, आप देख सकते हैं इसको जूम करके। और ये देखिए दोस्तों ये इसका प्लेट लगा हुआ है जो कि ब्लूटूथ मॉड्यूल का है। ये पूरा सर्किट LED लाइट बटन सब इसमें लगा हुआ, पूरा कनेक्शन है। अब हम इसको पैक कर देते हैं, अब हम जल्द ही इसके LED लाइट को भी ओपन करके दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले किसी ने भी ऐसा अनबॉक्सिंग नहीं किया होगा इस सेल्फी स्टिक का। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इस LED के अंदर भी खोल के देख लेते हैं क्या होता है आखिर। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इस LED को बाहर निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं इस वाइट प्लेट को कुछ इस तरीके से पेचकस के जरिए हटाना है। ये हमारा डिफ्यूज़र होता है
जो कि एलईडी के लाइट को थोड़ा सा धीमा कर देता है ताकि आँख में चुभे ना, ये इसलिए ये वाइट कलर का लगा होता है। और इसको साइड बाय साइड कुछ इस तरीके से उभारना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके अंदर कुछ इस तरीके से एलईडी लाइट्स हैं, और ये एक वेयर एलईडी है, एक चार्जिंग पिन है, चार एलईडी हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, एक रजिस्टर भी है जो कि आप देख सकते हैं, ये शायद चार्जिंग एलईडी के लिए होगा। और पीछे हम देखते हैं तो ये बहुत छोटा सा बैटरी है, लगभग 35 mAh का होगा। ये आई थिंक ब्लूटूथ ईयरफोन्स में यूज़ होता है। और ये देखिए दोस्तों, इसके पीछे एक स्विच भी लगा हुआ है और कुछ ICs भी लगे हुए हैं, जो आपकी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। एक रेजिस्टर कुछ IC है जो कि बैटरी को चार्ज करने के लिए होगा और बाकी LED को कंट्रोल करने के लिए भी। तो दोस्तों देखिए, जब से ही हमने एक बटन दबाया हमारी LED ऑन हो गया है, और जैसे ही दूसरा बटन दबाएंगे LED को ब्राइटनेस स्टे हो जाएगा, और तीसरे बटन पर LED ऑफ हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके का अंदर सर्किट होता है इस LED सेल्फी लाइट के LED बल्ब में। और अब जैसे हमने इसे निकाला था, कुछ उसी तरीके से इस प्लेट को आराम से रखेंगे और इसके ऊपर अपना डिफ्यूजर लाइट को दमी आसानी से फिट कर देंगे। इसमें कोई भी स्क्रू नहीं है, मैंने ये बात नोटिस किया है। अगर आपको कभी बैटरी चेंज करना हो तो आप आराम से चेंज कर सकते हैं। सो दोस्तों देखिए, हमारा ये लाइट अब पूरी से पैक हो गया है। अब हम इसके ऊपर कुछ इस तरीके से इसे भी लगा लेते हैं। दोस्तों देखिए, अब बात करते हैं इसके यूजेस का। अगर आपको वीडियो ब्लॉगिंग करना है तो इसे आप लगभग 1 मीटर तक लंबा कर सकते हैं और वीडियो आसानी से बना सकते हैं, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो, या फिर अगर आपको ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करना है तो। अगर आपको आसानी से बैठकर टीवी देखना है तो आप इसको कुछ इस तरीके से ट्राइपॉड बना सकते हैं। अगर आपको भी ये ख़रीदना है या परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दे दिया है, आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।